सुबह कर चुका हूँ मैं दोनों टास्क, वॉकिंग और रियाज और बाकी चीज़ें पकड़ते हैं आज। और कुछ एक आध चीज़ें और आने वाली हैं आज से, क्योंकि गिटार अपनी तैयार हो गई है। तो देखते हैं कैसे चीज़ें ऐड करो कि मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा लोड भी ना दिखाई दे मुझे विजुअली, बट काम हो भी जाए। तो इसके हिसाब से तो 9 टास्क बन रहे हैं, बाकी देखते हैं कि ये पॉसिबल हो पाता है नहीं हो पाता है। आज बड़े दिनों बाद गिटार बजा रहा हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मस्त फील आ रही है। ऐसा लग रहा है कुछ सुनो, बॉडी पार्ट वापस आ गया ऐसा लग रहा है, कुछ बढ़िया फील हो रही है अब। लेकिन क्या हो गया, काफ़ी दिन से मिस कर दिया तो प्रैक्टिस में नहीं हूँ, वो बिगनर वाली फील आ रही है, तो उसको मेरे को सेट करना है और फिर बढ़िया से फिर लेसन वगैरह डाल लें दूसरे चैनल पे प्रैक्टिस करके। और सॉन्ग राइटिंग भी स्टार्ट की थी जो मैंने बीच में छोड़ दी थी, सॉन्ग नए बनाना, तो प्रैक्टिस करते रहनी है नए सॉन्ग बनाने की, ताकि फ्यूचर में मतलब 5 ईयर डाउन द लाइन, 10 ईयर डाउन द लाइन अच्छे गाने बना सकूँ, ये मेरा एम है। और सिखाने से भी मेरा यही है कि सीख सकूँ, जितना भी मैं सिखाते रहता हूँ तो और सीखते रहता हूँ। और ये बिल्ली भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ कह रही, हाँ सही कह रहा है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल ही सही कह रहा है। बाकी मौसम अच्छा हो गया, बारिश हो गई थी रात को तो सही फील आ रही है, यहाँ पूरा पानी भर गया है पर वो नहर भी जा रही है। डुबकी लगा लूँ क्या? चल अंदर अंदर चल। ओहो हो क्या कट गया। ये सब 400 भी है, ये सब 400 का रेट, डिस्काउंट दाम लगता है सर। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो जरूर ले जाओ क्योंकि ये ना बाद में माल नहीं मिलता, इनमें सब में कमाइयाँ होती हैं खुद। तो पापा को कुछ यहाँ सूट वगैरह देखने थे सैंपल के, तो देख लिए यहाँ पर और अब हम निकल रहे हैं घर को। और ये ऊपर से आ रहे हैं पैकेट सारे, ऊपर से डायरेक्ट यहीं फेंके जाते हैं। और ये है शॉप, ये फिर ऊपर से आया, ये ऊपर से फेंकते हैं सर और ये नीचे आता है। तो ये सारे सैंपल पापा ने सेलेक्ट किए हैं, ये लेके जाएंगे। शॉप है अपनी सीमा हुजरी, उसका ए उड़ गया है पता नहीं। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ थोड़ी देर में आएंगे। तो अभी आए हम लोग एक ह्यूंडई के शोरूम में, पापा को शायद अपनी वाली गाड़ी के लिए कुछ पार्ट वगैरह देखना है तो वो देखने गए हूँ। अभी आए हम लोग ये तरुण कार निखार पे, छठी माँ के रस्ते पे, पापा को कुछ गाड़ी के लिए सेंट वगैरह लेना था तो वो देख रहे हैं। ये है अपनी शॉप तरुण कार निखार। तो अभी आए हम लोग खटीमा के जगदम्बा रेस्टोरेंट पे और गाने चल रहे हैं, पापा चेक कर रहे हैं मेन्यू और देख रहे हैं क्या मंगाया जाए। तो खाना आ गया हमारा, अब हम जा रहे हैं खाना पेलने और मैं हाथ धो के आता हूँ। तो कर लिया है खाना पीना पापा और मैंने, अब देखते हैं आगे को बढ़ते हैं। अब यहाँ रास्ते में बारिश हो गई और हम लोग बस स्टैंड में रुके हुए हैं। बारिश से बसते बंदर, दूसरा वाला अटक गया लग रहा है यहाँ पर। देना पूरे माँ पूर्णागिरी की कृपा से
मतलब इतना प्लेजेंट, इतना अच्छा लगता है। हालांकि घर पुराना है, बनना है, लेकिन फिर भी एक अजीब सी एक जो है एक पॉजिटिविटी यहाँ रहती है, वो सिर्फ देवी माँ की, क्योंकि ये पूर्णागिरी की स्थली है, यहाँ पर हमारी देवी माँ विराजमान है। अभी हो रहे हैं 8:56 और इतने सारे टास्क मेरे छूट रहे हैं, बट अभी मेरे को नींद आ रही है तो मैं बिल्कुल सोने जा रहा हूँ। तो कल की शुरुआत अच्छे से करेंगे और टाइमली सारे टास्क करने की कोशिश की जाएगी। गुड नाइट।